morning students welcome back to MFA's online classes. Today students head present हमारा कौन सा chapter चल रहा है 6 और today हम करेंगे 6.4 यानी कि हमारे 6 chapter की 6.3 तक exercise complete हो चुकी है. आज हम करेंगे 6.4 और 6.4 में कितने questions हैं 15. ठीक है 15 में से मैंने क्या लिए आज half 7 लिए हैं 7 हम tomorrow लेंगे ओके okay? मैंने लिए हैं A B C D E F and G यानी कि 7 क्वेश्चन लिए ओके सो लेट्स स्टार्ट. बेटा करना वही है इधर हमें डिवाइड भी करना है लेकिन जैसे जैसे स्टेप वाइज स्टैंडर्ड वाइज एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी क्या है थोड़े डिवाइडिंग लेंथी होते जाएंगे. ठीक है पहले 1 डिजिट था फिर 2 डिजिट हुआ आज क्या है 3 डिजिट ओके है डिवाइडिंग बट थोड़े क्या है लेंथी ओके सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है a 3 अंडर 4 डिवाइड बाय 4 यानी कि 3 अंडर 4 को हमें किससे डिवाइड करना है 4 ठीक है मेथड सेम वही है हम 4 की टेबल में देखेंगे कि 30 किस पोजीशन पे आता है 30 तो 4 की टेबल में आता ही नहीं है तो हमें क्या करना है उसे जस्ट पहले वाले स्टेप को देखना है. ठीक है 4 7 जा 28 क्या है 28 अब हमें 30 में से 28 को निकालना है कितने बचेंगे 2 और 4 को हमें नीचे उतार देना है. ठीक है अब हम करेंगे 24 डिवाइड बाय 4 यानी कि 24 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से अब क्या आएगा 4 6 जा 24 यानी कि 304 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 76 कहने का मतलब है जैसे 3 अंडर और 4 रूपीज है और हमें क्या करना है 4 पर्सन में डिवाइड करना है यानी कि 4 लोगों में बांटना है तो 1 के इसे कितना आएगा 76. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 अंडर 41 डिवाइड बाय 9. ठीक है मैथ सेम होगी है जैसे मैंने बताया था कि टेबल में देखेंगे किस पोजीशन पे आता है अगर सेम नहीं आता तो हम उसे जस्ट पहले वाले स्टेप पर करेंगे. ठीक है 9 6 जा 9 4 जा 36 अब हमें 44 में से 36 को घटाना है निकालना है कितना बचे हमारे पास 8 को 1 को हम उतार लेंगे हम क्या करेंगे 81 डिवाइड बाय 9. ठीक है 9 9 जा 81. ठीक है आंसर कितना आया 441 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 49. ठीक है देन नेक्स्ट है 96 डिवाइड बाय 196 डिवाइड बाय 2. ठीक है 2 9 जा 18 अब 19 में से 18 निकाला तो 1 और 6 हम बाद में क्या हो गया 16 ओके 2 को किससे करेंगे हम 2 8 जा 16 ओके आंसर कितना है 98. देन नेक्स्ट है 945 डिवाइड बाय 3. ठीक है 3 3 जा 9. ठीक है अब 9 में से 9 को निकालेंगे कितना बचेगा 0 और हम 4 को उतार देंगे. ठीक है अब हमें क्या करना है 4 को 3 से डिवाइड करना है. ठीक है 3 बन जा 3. ठीक है अब 4 में से हम क्या करेंगे 3 को निकालेंगे 1 और 5 हमारे पास है 15. अब हमें क्या करना है 15 को 3 से डिवाइड करना है. ठीक है 3 5 जा 15 ओके आंसर कितना आया है 315. ठीक है द नेक्स्ट है 828 डिवाइड बाय 6. ठीक है 828 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से 6 बन जा 6 2 में से 8 में से 6 दे दो 2 बचे और 2 हम उधार लेंगे. ठीक है अब क्या करेंगे 6 6 3 जा 18 अब 28 2 में से 18 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 4 और फिर हमारे पास क्या है 8 अब क्या हो गया 48. अब क्या करेंगे हम 48 को 6 से डिवाइड करेंगे. ठीक है 6 8 जा 48
9 है हमें हमारा 8 है 28 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 138 ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा नहीं सॉरी लेट्स 952 डिवाइड बाय 8 अब क्या करेंगे हम 952 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से 8 बन जा 8 9 में से 8 गया तो 1 बचा 5 हमारे पास है 15 हो गया है ठीक है फिर करेंगे 8 बन जा 8 अब क्या करेंगे 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7 और को हम उतार लेंगे ठीक है अब क्या है 8 9 जा 17 ठीक है देन लास्ट क्वेश्चन है बेटा 180 डिवाइड बाय 4 ठीक है 180 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से 4 4 का 16 अब 18 में से 16 को निकाला है कितना बचा है 2 और 0 है 0 को उतार लिया तो हमारे पास क्या हो गया 20 अब हम क्या करेंगे 20 को 4 से डिवाइड करेंगे ओके 4 5 का क्या है 4 5 का 20 ओके आई होप बेटा आपको मेथड समझ में आ गया होगा अगर नहीं भी आया है तो आप हमें कॉल करके या फिर कैसे भी सॉल्यूशन पूछ सकते हो ठीक है तो ये क्या है हमारा 6.4 के 7 क्वेश्चन है नेक्स्ट 8 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे ओके टेक केयर क्लिक करना है सभी को नोटबुक में भी और